हेलो चिल्ड्रेन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। थोड़ा बोरिंग चैप्टर जरूर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां हमने जाना कि जो रूलर्स, चाहे वो दिल्ली से एम्पायर के हो या मुगलिया एम्पायर के हो, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई, कितना अच्छा था स्कल्पचर तैयार किया, कल्चर में क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। आपका मैं अच्छा खासा क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिया हूँ, काफ़ी बच्चों ने उसे किया है भी, कुछ बच्चे अभी मेरे पास आंसर नहीं भेजे हैं तो वो जल्द से जल्द उसका आंसर भेज दे, क्योंकि आज आपका मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है चैप्टर नंबर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्रॉप्स पर्सन। क्लियर, आज डिस्कस करेंगे हम लोग नगर के बारे में, क्या व्यापारी किस प्रकार रहते थे इस समय उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्रॉप्स पर्सन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। फिर मैं बता दूँ, आपका जो ये सब टॉपिक हुआ, चाहे टाउन्स हुआ, ट्रेडर से हुआ, ये सब कुछ हम स्टार्ट करेंगे उसी चोलाज एम्पायर से जो आपने पीछे टर्म पे पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में। चोलाज एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगलिया एम्पायर, इन तीनों एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आज हम पढ़ेंगे टाउन्स, ट्रेडर्स और इस क्राफ्ट्समैन के बारे में, क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में, उसी टॉपिक से रिलेटेड ये सब चीज़ें जानेंगे। देखिए, जो चैप्टर स्टार्टिंग है उसी में बताया गया है कि कोई इंसान अगर मेडाइवल हिस्ट्री में इंडिया में आए, कोई भी पर्सन इंडिया में आए, तो वह तमाम शहरों में जाता है, तमाम टाउन्स में जाता है, तो उसे पता नहीं चलता ये टाउन्स कब आया, कैसे आया, ये टाउन्स कोई टेंपल टाउन है या फिर एग्रीकल्चर टाउन है या फिर ट्रेडिंग टाउन है, इस टाउन्स में क्या ट्रेड पर ज़्यादा फोकस किया जाता है या टेंपल के द्वारा इसे बनाया गया है, उसे कोई जानकारी नहीं है। वह नगर घूमता है, उसे नगर बड़ा पसंद आया कि बहुत बड़ा कर था, ये था, ये था, लेकिन बेसिक जानकारी उसे रहती नहीं है कि ये नगर किस रूप में बसाया गया। पहले यहाँ मंदिर था, मंदिर से नगर बना, या फिर यहाँ लोग फार्मर पीजेंट आए, यहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे, फर्टाइल लैंड पाकर यहाँ वो इस्टेब्लिश हो गए, एक टाउन्स बना लिए, या कोई यहाँ ट्रेडर्स आया, वो यहीं से ट्रेड करने लगा कहीं पर, वो नगर बसाया, ये जानकारी किसी को नहीं होती है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं भारत के उन टाउन्स के बारे में, उन ट्रेडर्स के बारे में, जिस टाउन और ट्रेडर्स ने इंडियन हिस्ट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना एक बहुत अच्छा पोजीशन बना के रखा है। क्लियर, नाउ वी विल स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, प्रशासनिक केंद्र। जानते हैं, कहा जाता है, राइटर्स जो इस चैप्टर को लिखा है उसने कहा कि स्टूडेंट आप एक घोड़े पे बैठिए और स्वप्न की दुनिया में चलिए, और स्वप्न की दुनिया में वो घोड़ा ले जा रहा है आपको चोल एम्पायर के कैपिटल, चोलाज एम्पायर का सबसे बड़ा राजधानी, और वो राजधानी है तंजावुर। आपने एंशियन में पढ़ा होगा कि चोलाज जो एम्पायर है वो साउथ इंडिया में था, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्रा का आधा क्षेत्र, इन सब में चोल राजाओं का राज रहा है, चोल एम्परर का राज रहा है। जहाँ आपका नॉर्थ में गुप्तास का, गुप्ता के बाद हर्षवर्धन, चौहान वंश, कई हेरिडिटरी आई हैं, वहीं साउथ इंडिया में चोलाज एम्पायर था। और आप ये भी पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में कि चोलाज एम्पायर का कितना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है साउथ इंडिया में, यानी तमिलनाडु के क्षेत्रों में। क्लियर, चोलाज एम्पायर ही वह पहला एम्पायर है जिसने आपके डोमेस्टिक रिजाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस किया, जिसे आज आप लोग पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। इस पंचायती राज सिस्टम को वास्तव में इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले यही चोलाज एम्पायर हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। क्लियर, तो कहता है राइटर कि आप घोड़े पे बैठिए और अपने स्वप्न लोक की दुनिया में चलिए, और ले चलते हैं आपके चोलाज के कैपिटल तंजावुर में। क्लियर, तंजावुर वो क्षेत्र है, वो कैपिटल है जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और कावेरी नदी यहाँ लहलहाते हुए बह रही है। क्लियर, आपको यहाँ जिस दिन आप एंट्री करेंगे तंजावुर में, सबसे पहले मिलेगा चोल राजाओं का सबसे महान राजा, वो है राजा राज प्रथम, जिसने इस्टेब्लिश किया है एक टेंपल जिसे आप कहते हैं राज राजेश्वर टेंपल। क्लियर, जैसे ही तंजावुर में एंट्री करेंगे आप तंजावुर के उस राज राजेश्वर मंदिर के घंटियों की आवाज़ को सुनेंगे और आपके मन को बड़ा सुकून, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर,
उस मंदिर में जैसे ही आप जाएंगे वहां देखेंगे कि क्रॉप्स मैन ने कितना अच्छा क्रॉपिंग किया है उस टेंपल का, अच्छे से लिखावट की है उस पे, अच्छे से उस पे पिक्चराइजेशन किया है। उसे देखकर लगता है उस समय के लोगों को कितना ज़्यादा नॉलेज था क्रॉप्स का। जो क्रॉप्स उन्होंने उस मंदिर में टेंपल पे यूज़ किया है वैसा क्रॉप्स आज के क्रॉप्स मैन नहीं बना पाएंगे जो उस समय के उन लोगों ने यूज़ किया है। तो घंटियों के गनगना हट के साथ आप देखेंगे क्राफ्ट्स पर्सन द्वारा बनाए क्राफ्ट का सबसे बेहतर एग्जांपल उस साउथ इंडिया के एक महान मंदिर राजराजेश्वर में। क्लियर? आगे जैसे और आपको पता होगा इस राजराजेश्वर मंदिर का स्टार्टिंग वही क्राफ्ट्समैन द्वारा बनाया गया पिक्चराइजेशन है। अंदर जाएंगे तो अंदर एक शिवलिंग है, ये शिव भगवान का मंदिर है। अंदर एक बहुत अच्छा शिवलिंग बनाया गया है गर्भगृह में सेंटर पॉइंट पे, जिसके चारों तरफ अन्य छोटे छोटे देवताओं को बैठाया गया और बीच में शिवलिंग है जो शिव का मंदिर कहलाता है, ये राजराजेश्वर मंदिर। क्लियर? अन्य देखेंगे आपने यहाँ कई टेम्पल्स हैं। चोल राजाओं में दो महान राजा हुए थे, आप पढ़े ही होंगे, राजेंद्र प्रथम और राजा राज, दोनों बड़े नाम हैं। आगे कुलोनतुग, राजा राम द्वितीय, बड़े शासक आए हैं। तो ये दो महान शासक रहे हैं जिन्होंने साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्पल बनवाया और तंजावुर को तो पूरा टेम्पल से भरा दिया है। कई सारे यहाँ टेम्पल आप देखेंगे, कई सारे राजमहल देखेंगे, उन राजमहलों पर कई सारे मंडप समझते ही होंगे, वो गोल गुंबद जो बनता है ऊपर, कई सारे मंडप बने होंगे, कई सारे आप सैन्य शिविर देखेंगे। यानी सिंपल कहने का मतलब है जो तंजावुर का नगर है, ये नगर पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था और टेंपल से ही ये टाउन बना है, इसी को कहते हैं टेंपल टाउन। ये बात केवल चोल राजाओं के राजधानी तंजावुर की नहीं है, इसी तमिलनाडु में एक और एरिया आप देखेंगे उरेऊर नगर। क्लियर? उरेऊर ये भी तमिलनाडु का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। हर प्रकार के क्लॉथ वस्त्र यहाँ बनाए जाते थे, चाहे ऊलन हो, चाहे सिल्क हो, चाहे जिस प्रकार का वस्त्र अगर आपको लेना हो उरेऊर के मार्केट में एंट्री कर जाइए, हर एक प्रकार का वस्त्र वहाँ देखने को मिलेगा। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन चोलास एम्पायर। क्लियर? तो आपने चोलास एम्पायर के दो शहरों के बारे में जाना, फर्स्ट इज कैपिटल खुद तंजावुर और सेकेंड एन उरेऊर जो वस्त्रों के लिए काफ़ी विख्यात था। टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, जो नेक्स्ट शेडिंग है वो आपका है टेंपल टाउन एंड पिलग्रिम्स, टेंपल टाउन्स एंड पिलग्रिम्स, मंदिर जो क्या बोलते हैं मंदिर नगर है और तीर्थ केंद्र है। क्लियर? मंदिर नगर, तो तंजावुर से बेहतर एग्जांपल है ही नहीं। आपके इस हेडिंग में स्टार्टिंग में तंजावुर से किया गया है कि तंजावुर एक सबसे बड़ा मंदिर नगर है, सबसे बड़ा टेंपल टाउन है। क्लियर? सर पहले के नगरों में ये मंदिरों पे इतना फोकस क्यों किया जाता था, क्यों मंदिर इतना बनाए जाते थे, क्या कारण है? तो मैंने आपको शायद बताया भी हूँ लेक्चर में कि मंदिर जो होता था वो रेपुटेशन बताता था, और दूसरा धर्म एक ऐसा मुद्दा है ना जो सोसाइटी को जोड़ता है आपस में। अगर आप एक मंदिर बना दीजिए, देखिए गाँव का हर एक इंसान उस मंदिर में पूजा करने को जाएगा, मतलब इनमें मंदिर जो है ना धर्म ये कनेक्टिविटी लाता है, तो ये समाज और इकोनॉमी दोनों को प्रभावित करता था। इकोनॉमी को कैसे? मंदिर में गए भैया तो दान पत्री है वहाँ रखा हुआ है, तो आप एक रुपया जरूर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए भी अच्छा था और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा था। सिंपल मैं कहूँ तो टेंपल वो साधन है जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही प्रॉफिट देता था उस समय किंगडम के किंग को। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को और दिखाते हैं कि यहाँ मंदिर में जो धन चढ़ाए जाते थे वो ऐसा नहीं कि किंग अपने पास रख लेता था, नहीं नहीं, जो टेंपल्स बनाए जाते थे चाहे वो साहूकारों ने बनवाया हो चाहे जमींदारों ने बनवाया हो, उस टेंपल में चढ़ाए हुए धन से वो ट्रेडिंग करते थे। उस धन का ऐसा नहीं वेस्ट कर देते थे या कहीं और कुछ करते थे, उसका ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग से क्या होगा, सोसाइटी का ही भला होगा। जितना धन आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही प्रॉफिट मिलेगा सामान्य लोगों को, और वही धन के पैसे से इन्वेस्ट किया जाता था मार्केट में, जिससे सामान्य लोगों को बड़ी अच्छी सहूलियतें मिलती थी। सामान का रेट कम हो जाता, अधिक पैसा होने की वजह से सामान्य लोग उसे बड़े आसानी से खरीद सकते थे। क्लियर? आपको लगाते थे, तो जब मंदिर में अच्छा खासा आपको सोशल और इकोनॉमिक दोनों फायदा होने लगा, तो इंसान क्या हुए, मंदिर के आसपास आकर बसने लगे। भैया यहीं सब कुछ मिल जा रहा है, मुझे पैसा भी मिल जा रहा है, जॉब भी मिल जा रहा है, अच्छा खासा यहीं
कहीं ना कहीं यूनिटी भी आ रही है, तो लोग वहां बसने लगे और वही मंदिर जो उस क्षेत्र का एक अकेला हुआ करता था मंदिर, अब वही क्षेत्र एक अच्छा खासा टाउन बन गया और उस टाउन के सेंटर पे खड़ा है सबसे बड़ा से राजराजेश्वर मंदिर या कोई भी मंदिर, अब वो तंजावुर एक टेम्पल टाउन बन गया। क्लियर? ऐसा ये केवल एक ही नहीं, ऐसे बहुत हैं। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे दिया है एमपी में आप देखिए भिल्ल स्वामीन मंदिर, एमपी में मध्य प्रदेश में चलिए तो भिल्ल स्वामीन मंदिर आज भी है, वो देखिए अच्छा खासा पूरा टाउन बन चुका है, और जबकि पहले क्या था केवल यही एक मंदिर था, मंदिर के आसपास लोग आके बसना शुरू हो गए क्योंकि भैया धन मिल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, वहीं आराम से बसना शुरू हो गया और एमपी का भिल्ल स्वामीन एक अच्छा खासा टाउन बन गया। कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं जैसे तमिलनाडु में सोमनाथ मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोमनाथ बनाया भी हूँ, कितना धन था कि महमूद गजनवी ऐसे लौट ही नहीं पाया सोम मंदिर को लूटने से, तो सोमनाथ मंदिर कितना इंपॉर्टेंट है। लोग तो ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में एक साल में अरबों का चढ़ावा चढ़ता था, अरबों की संपत्ति डाली जाती थी सोमनाथ मंदिर में, करोड़ों की संपत्ति डाली जाती थी सोमनाथ मंदिर में, बहुत राजाओं ने यहाँ चढ़ावा चढ़ाया, इसीलिए गजनवी की नज़र डायरेक्ट सोमनाथ मंदिर पे पड़ी थी, और सोमनाथ मंदिर को जब वो लूटा तो अपने पूरे सेंट्रल एशिया को 5 साल के लिए उसने टैक्स फ्री कर दिया। अब सोचिए गजनवी ने कितना पैसा लूटा होगा इस सोमनाथ शिवलिंग मंदिर से। क्लियर? इतना पैसा मिला मंदिर से उसे। क्लियर? तो तमिलनाडु का सोमनाथ मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर नहीं तमिलनाडु का एक और मंदिर है कांचीपुरम मंदिर था, अब देखो टाउन बन गया कांचीपुरम टाउन, ठीक, सोमनाथ मंदिर टाउन बन गया। तो ऐसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति बहुत बड़ा नाम, आप देखते भी हैं कितना तिरुपति में चढ़ावा चढ़ता है, पहले एक मंदिर हुआ करता था आज अच्छा खासा टाउन बन चुका है। तो इस तरह तमाम ऐसे मंदिर, तमाम ऐसे टेंपल्स को देखेंगे जो इन फ्यूचर में आकर एक अच्छा खासा टेंपल टाउन बन चुका है। तो अगर सिंपल एग्जांपल आपसे पूछे टेंपल टाउन का तो यही दीजिए, रीजन पूछे तो आप रीजन बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं, इसी में आपका एक छोटा सा पैरा दिया है, आप देखिए वो कलर किया हुआ है, उसमें बात की गई है ब्रॉन्ज की, कांसे की। क्लियर? कांसा किससे मिलकर बनता है आप जानते हैं, ये तांबे और टिन, रैंक से, रैंक जिसको बोलते हैं उसी को टिन बोलते हैं, तांबे और टिन से बनाया गया है आपका ब्रॉन्ज कांसा। और आप पिक्चर में देखेंगे कृष्ण भगवान का एक कांसे का वो बना हुआ है स्टैचू, मूर्ति बनी है, नाग देवता पर वो खड़े हैं और उनका पूंछ पकड़ के नाग देवता को वो कंट्रोल में ला रहे हैं, नियंत्रण में ला रहे हैं। सिंपल कहने का मतलब तमिलनाडु में कांसे का यूज़ अधिकतर होता था, चाहे वो स्टैचू बनाना हो या किसी और प्रकार का कार्य करना हो, बड़े अच्छे मेथड से कारीगर उसे बनाते थे और इतना अच्छा बनाते थे कि उसमें चमक रहती थी, वो चमक तब भी थी और वो चमक आज भी है। क्लियर? बात किया जाए कुछ पिलग्रिम्स के, अभी तो बात हो रही थी कुछ मंदिर टेंपल टाउन्स के, बात करते हैं पिलग्रिम्स से, तो पिलग्रिम भी तीर्थ जो स्थान है ये भी बहुत सारे नगरों का निर्माण किए हैं, और उसमें अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ तो वो है वृंदावन, बहुत बड़ा नाम वृंदावन, आप जानते हैं मथुरा वाराणसी वृंदावन, और जो मेन नाम है वो मेन नाम है अजमेर का, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, क्योंकि यहाँ दरगाह है सूफी संतों के, सबसे महान संत के, जिसे आप कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत बड़ा नाम, जो चिश्ती कम्युनिटी है भारत में माउंटेन की, उस चिश्ती कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने वाला यही मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो यहाँ उसका दरगाह है, तो उस दरगाह को देखने के लिए इंडिया छोड़िए ईरान इराक पाकिस्तान सऊदी अरबिया से माउंटन आते हैं उसका दर्शन करने, मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको ध्यान में होगा परवेज मुशर्रफ भी आए थे यही चिश्ती के उस पे अजमेर में दरगाह पे, वही नहीं नवाज शरीफ भी आए हैं इसी अजमेर के इस दरगाह पे, अजमेर बहुत बड़ा नाम था ही, पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश का कैपिटल भी यही अजमेर था, आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा नामक पहला मास्क भी बनवाया था। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा, स्पेशली मैं माउंटेन व्यू से कहूं तो माउंटेनों के लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान था, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान जहां आकर लोग बस गए और आज अजमेर का नाम सुर्खियों में लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत ही नहीं, अकबर के काल में भी अजमेर बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा, अकबर ने यहाँ बहुत सारे मास्क भी बनवाए थे और दिल्ली सल्तनत का सोर्स सबसे बड़ा सोर्स था अजमेर।
इतना नहीं, तीर्थ स्थानों में वृंदावन, अजमेर, मथुरा, साथ में आपका तमिलनाडु का तिरुवन्नमलई बड़ा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, अजमेर का दरगाह था, ये सब बहुत एग्जांपल्स पिलग्रिम्स हैं जिन पिलग्रिमों ने अच्छे खासे वहाँ पे एक टाउन को बना लिया और इतिहास में इन नगरों का नाम अमर हो गया। ऐसे तमाम नगर हैं। तो सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है, कभी किसी स्थान पे कोई टेंपल इस्टेब्लिश किया गया, इन फ्यूचर में वही टेंपल जाके टेंपल टाउन बना, सिंपल कहीं किसी स्थान पर किसी प्रकार का दरगाह बनाया गया, कोई अन्य कार्य किया गया, वही भविष्य में जाके एक पिलग्रिम्स बना और अच्छा खासा पिलग्रिम्स टाउन इस्टेब्लिश हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने तमाम चीज़ें देखी, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर देखा जहां मैंने आपको तंजावर और उरुयूर की बात की, आगे बढ़ाया और आपको टेंपल टाउन और कुछ पिलग्रिम्स के बारे में बात किया। आज मैं दो टॉपिक के ही बारे में बात किया क्योंकि चैप्टर यहां भी थोड़ा डेवलपिंग चैप्टर है, मतलब डेवलप पॉइंट वाले चैप्टर है, वो राजा महाराजा लड़ाई झगड़ा यहां आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा डेवलपिंग पॉइंट चैप्टर है, तो इसे भी हम धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे जानेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में। एक साथ अगर सारा पॉइंट पढ़ा दूंगा तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए याद रखिएगा आज डिस्कस किया केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में, जिसमें आपका मैंने तंजावर को ज़्यादा फोकस किया, टेंपल टाउन के बारे में डिस्कस किया और आपके पिलग्रिम्स कुछ तीर्थ स्थानों के बारे में डिस्कस किया। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे ले चलते हैं और लिखते हैं स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे जो नगर हैं या छोटे छोटे नगर हैं ये किस प्रकार बसे हैं और पूरा एकदम जाल की तरह नेट की तरह बसे पड़े हैं, किस तरह का योगदान है उनका ट्रेडिंग में, किस तरह की उनकी लाइफ है, किस तरह उन्होंने इफेक्ट डाला इंडियन इकोनॉमी को, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना जितना मैंने वीडियो अपलोड किया इसे आप समझिए, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास भेज रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करके भेजिए, मैं जानूँ आपने कितना समझा है आज के वीडियो में इन टॉपिक्स को। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्मॉल टाउन के साथ आपका टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।